हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। क्या आपने कभी किसी लड़की के प्रोफाइल पिक्चर यानी डीपी को देखकर ये बोला है, वाओ नाइस डीपी, ओहो ब्यूटीफुल डीपी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रिप्लाई में थैंक यू के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। 5 मिनट बाद ब्लॉक और मार दिया होगा उसने आपको। बट डोंट वरी, आज के इस क्लास में मैं आपको दूसरों की डीपी की इंग्लिश में तारीफ करने के एक दर्जन तरीके बताऊंगा। नाइस डीपी, वाइस डीपी एक तरफ करो, अब इन तरीकों का अजमा के देखो, रिजल्ट मुझे बताना। अब दूसरों की डीपी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे कमाल कमाल के इंग्लिश के एक दर्जन फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं दूसरों की डीपी की तारीफ करने के इंग्लिश में एक दर्जन तरीके उनकी मीनिंग के साथ। पहला वाला है सच अ स्लेयर यू आर, सच अ स्लेयर यू आर। अब सुनो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। सच अ स्लेयर, सचमुच तुम्हें कातिल हो, हत्यारण हो, यू आर तुम हो कातिल हत्यारण। मतलब लुक वाइज ऐसा नहीं हो हाथ में गंडासा लेके खड़ी है मार देगी डीपी में से ही। मतलब कुल मिला के आप उनके लुक की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे आप कातिलाना अंदाज में खड़ी हैं, आपके एकदम कातिल लग रही हैं, निगाहों से कत्ल कर रही हैं। तो आप ये बोल सकते हैं स्लेयर माने कत्ल करने वाली या वाला भी होता है, सही है। तो आपको किसी की डीपी अच्छी लगी तो आप नाइस डीपी, गुड डीपी, गुड पिक, पुराने हो गए हटाओ इन्हें, आप बोल सकते हैं सच अ स्लेयर यू आर। और अगर आपको लगता है कि यू आर पहले बोल दे, यू आर सच अ स्लेयर, तो स्टाइल मर जाएगा ना, स्टाइल को नहीं मरने देना, उसे जिंदा रखो। सो बोलिए सच अ स्लेयर यू आर, आप सच में कातिल लग रही हैं, हत्यारण डायन सी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यू लुक ग्रेट या ऑसम, यू लुक ग्रेट या ऑसम। अब दोनों नहीं बोलने एक साथ, ओ यू लुक ग्रेट ऑसम, एक बोलना है या तो ग्रेट बोलना है या ऑसम बोलना है, दोनों की मीनिंग बता देता हूं। अब जब भी आपको किसी की डीपी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगे तो नाइस डीपी, हाइस डीपी, हाइस डीपी लिखने की बजाय आप बोल सकते हैं यू लुक ग्रेट या यू लुक ऑसम। यू लुक ग्रेट का हिंदी में मतलब होता है तू महान लग रही हो, महान लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई बेचारी। मतलब ग्रेट का मतलब अच्छा भी होता है, महान तो होता ही है, लेकिन ग्रेट का मतलब ये भी होता है कि बहुत प्यारी, खूबसूरत, दूसरों से अच्छी लग रही हो, लग रहे हो, या फिर यू लुक ऑसम, सुपर लग रही हो, ऑसम लग रही हो, तो आप ये भी बोल सकते हैं। सो यू लुक ग्रेट या यू लुक ऑसम, आप नाइस डीपी को अवॉइड करके बोल सकते हैं, कमाल का, ये बहुत यूज करते हैं लोग। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यू लुकिंग अट्रैक्टिव इन योर डीपी, यू लुकिंग अट्रैक्टिव, तुम अट्रैक्टिव दिख रही हो इन योर डीपी, अपनी दिल्ली पुलिस में, डीपी दिल्ली पुलिस नहीं, नहीं डीपी की फुल फॉर्म होती है डिस्प्ले पिक्चर का, पहुंच गया मैं भी। हाँ तो तुम अट्रैक्टिव दिख रही हो अपनी डीपी में। आप जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिए, लिखा है यू लुकिंग, जबकि होना चाहिए यू आर लुकिंग, ग्रामेटिकली तो यू आर सही है, लेकिन जब हम किसी की तारीफ करते हैं खासतौर पर गर्ल्स की तो ग्रामेटिकली प्रेमेटिकली माइंड में नहीं चलता, फिर थोड़ा स्टाइल चलता है, थोड़ा फंकी स्टाइल चलता है, थोड़ा अमेरिकन ब्रिटिश स्टाइल चलता है। तो इसलिए ग्रामर को एक तरफ रखो, आर को खा जाओ और बोलो यू लुकिंग अट्रैक्टिव, तुम अट्रैक्टिव लग रही हो, लड़कों को भी बोल सकते हैं चल हट अट्रैक्टिव, कौन लगता है लड़का, हाँ तो यू लुकिंग अट्रैक्टिव इन योर डीपी। तो नाइस डीपी के बजाय आप ये बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इंप्रेशन जम जाएगा, तुम्हारा इंग्लिश वीक है मेरी, लेकिन मैं भी बोलता हूं ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यू लुक स्टनर, यू लुक स्टनर, इसका हिंदी में मतलब होता है तुम स्टनर बाइक लग रही हो, नहीं स्टनर, स्टनर की बाइक भी होती है होंडा वालों की स्टनर, लेकिन यहां पर स्टनर का मतलब है गजब की, कमाल की, बहुत खूबसूरत, बेइंतहा, लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं गजब का। तो भाई साहब स्टनर का जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको मतलब मिलेगा गजब का, कमाल का, खूबसूरत, सुंदर। तो आप सामने वाले को, वाली को नाइस डीपी के बजाय बोल सकते हैं यू लुक स्टनर, आप गजब की लग रही हैं, आप कमाल की लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, सही है, तारीफ के लिए बहुत बढ़िया यूज है। पहले तो बेचारी गूगल पर सर्च करेगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टनर, तब वो आपको फिर रिप्लाई करेगी। आप बहुत कमाल का यूज कर लेना, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है वाओ हाउ क्लासी, ओ बहुत ही बढ़िया, ये मेरा फेवरेट, क्योंकि छोटे होते ना मेरे फेवरेट होते, बड़े मुंह से नहीं निकलते, मेरी इंग्लिश वीक है ना मेरी, हाँ। सो वाओ हाउ क्लासी। अब ये भैया देखो किसी की डीपी की तारीफ करनी है, पिक्चर की तारीफ करनी है, प्रोफाइल पिक्चर की तारीफ करनी है, आप फोटो ही भेज दिए उसकी तारीफ करनी है, तो आप जवाब में तारीफ में नाइस पिक, नाइस लिक ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आप बोलेंगे वाओ हाउ क्लासी। वाओ तो आपको पता ही है, वाओ मतलब बहुत बढ़िया, हाउ क्लासी कितनी क्लास में पढ़ने वाली लग रही हो, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि
कि क्लासी का मतलब होता है नए जमाने की, मॉडर्न, एकदम अच्छी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी सी या बहुत ज्यादा समझदार सी, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, यही होता है शायद। तो आप ये बोल सकते हैं, वाओ हाउ क्लासी, कितने मॉडर्न लग रही हैं आप, या लग रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप, हाउ क्लासी। तो वाओ जरूर बोल देना, अच्छा है, नहीं तो टाइप करके देना WOW हाउ क्लासी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुकिंग रियली गॉर्जियस, लुकिंग रियली गॉर्जियस। अभी कुछ दिन पहले तक मैं गॉर्जियस को जॉर्ज डब्ल्यू बुश पढ़ता था, मेरी इंग्लिश वीक थी, फिर बाद में मुझे किसी ने बताया मास्टर जी गॉर्जियस लिखा है वो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लिखा, फिर मैंने इसे ठीक कर लिया। तो भाई साहब लुकिंग रियली गॉर्जियस का मतलब होता है सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये शब्द स्पेशली गर्ल्स के लिए ही यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। लड़के को मत बोल देना यू लुकिंग गॉर्जियस, वरना लड़का ऐसा होगा थैंक यू, ऐसा उसका टेस्ट मीठा सा हो जाएगा फिर। तो आप गर्ल्स को बोल सकते हैं यू रियली लुकिंग गॉर्जियस, आप सच में बहुत गॉर्जियस दिख रही हैं, आप बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव सी लग रही हैं। तो नाइस डीपी ब्यूटीफुल पिक वगैरह की जगह आप लुकिंग रियली गॉर्जियस बोल सकते हैं। तो सामने वाली जो होंगी उन्हें लगेगा हाई ये भाई की इंग्लिश बहुत अच्छी है, सही है। तो आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं ऐसे। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है एलिफेंट पिक, एलिफेंट कह रहा हूं सॉरी, हथनी थोड़ी है वो, एलिगेंट पिक, एलिगेंट। अब ये जो एलिगेंट है इसका मतलब सुनो क्या होता है, एलिगेंट का हिंदी में मतलब होता है आकर्षित, अपनी ओर खींच लेने वाला, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला, मैग्नेट करने वाला। मतलब कोई भी ऐसी लड़की या लड़का जिसकी पिक को देखकर लोग आकर्षित होते हो, या आप आकर्षित हो रहे हो, उसकी तरफ से आपका ध्यान हट रहा हो, तो तारीफ में नाइस पिक, नाइस डीपी तो बोलना ही नहीं, आपको पता है लात मारना ही नहीं इसे, उसकी जगह आप बोल सकते हैं छोटा सा एलिगेंट पिक, बहुत एलिगेटर सी लग रही हो तुम, सॉरी एलिगेंट लग रही हो आप, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है, एलिगेंट लग रही है, लड़के को भी बोल सकते हैं। तो कोई से भी भैया तारीफ करनी हो पिक की, आप उसके लिए छोटा सा यूज कर लो और रट लो इसे, एलिगेंट पिक, वाओ वाओ नाइस, ऐसे एक्सप्रेशन से मत बोलना, पिटाई हो जाएगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यू लुक डीवा, यू लुक डीवा। अब डीवा का मतलब लोग सोचेंगे डीवा का मतलब क्या है और सर्च करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, डीवा का मतलब होता है सुंदर आवाज वाली लड़की, या सुंदर पहनावे वाली लड़की, या बेहद खूबसूरत लड़की, अट्रैक्टिव सी गर्ल, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए ही यूज होता है डीवा। वैसे इसके कई और मतलब भी आपको गूगल पर मिल जाएंगे, लेकिन ये गर्ल्स की तारीफ के लिए, उनको डीवा कहने के लिए यूज होता है। बहुत सारे सीरियल्स में कहते हैं यू लुक डीवा, आप बहुत अच्छी लग रही है। तो आप प्रोफाइल पिक जब आपको अच्छी लगे, उसमें अट्रैक्टिव से कपड़े पहने हो, उसमें बहुत ज्यादा जो है मेकअप किया हो, या कोई ऐसी वीडियो डाली हो जिसमें जो है आवाज बहुत सुरीली हो, तो आप कहकर तारीफ कर सकते हैं यू लुक डीवा। लड़की को पता नहीं पता होगा डीवा का मतलब, कभी वो सोचे मुझे दिव्या भारती कह रहा है एक्ट्रेस, मतलब फिर वो सर्च कर लेगी, उसे रियल भी नहीं पता चल जाएगी, सही है। तो आप तारीफ के लिए ये भी बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल इन योर डीपी, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल इन योर डीपी। इसका मतलब है तुम्हारी डीपी में तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। अब जब भी हमें किसी की डीपी की तारीफ करनी होती है, तो आप उस डीपी में उनकी जगह उनके बालों की, आंखों की, हाथ पैरों की तारीफ कर सकते हैं। जैसे इसमें स्माइल की तारीफ कर दी, आप स्माइल की जगह बोल सकते हैं यू हैव ब्यूटीफुल हेयर इन योर डीपी, आपकी डीपी में आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। यू हैव ब्यूटीफुल नेल्स इन योर डीपी, आपके नाखून बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर वो बोलेगी आई हैव अ ब्यूटीफुल सैंडल इन माई डीपी, दिखी? और तो पहले सोच लेना बोलने से, ठीक है। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई केप्ट वॉचिंग योर डीपी, आई केप्ट वॉचिंग योर डीपी। इसका हिंदी में मतलब है मैं तुम्हारी फोटो देखता का देखता रह गया, कितना झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा सामने वाली को। मतलब ऐसा बोल देते हैं लोग, बॉयज बोल देते हैं मैं आपकी फोटो को देखता वक्त देखता रह गया, या गर्ल्स भी बोल देती हैं बॉयज की फोटो को मैं आपकी फोटो को देखती की देखती रह गई। सो आप किसी की भी फोटो की तारीफ करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आई केप्ट वॉचिंग योर डीपी, मैं आपकी डीपी देखती रह गई या देखता रह गया। आप डीपी की जगह पिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई केप्ट वॉचिंग योर पिक, आई केप्ट वॉचिंग योर फोटो, आई केप्ट वॉचिंग, समझ रहे होंगे, सही है। तो आप इस तरीके से इसका यूज करके और अलग अलग मतलब इसमें चेंजेस करके आप तारीफ कर सकते हैं डीपी की, काफी यूज होता है ये भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम इन लव विद योर डीपी, आई एम इन लव विद योर डीपी। अब किसी की भी प्रोफाइल पिक को देखकर आप तारीफ करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन लव विद योर डीपी, मतलब मुझे आपकी डीपी से प्यार हो गया है, या पिक भी लिख सकते हैं मुझे आपकी पिक से प्यार हो गया है। और रियल में देख लिया ना भाग जाएगा तेरा सारा प्यार उतर जाएगा, डीपी तो होती फिल्टर वाली है। तो भैया ये मत बोला करो किसी को देख के
चोट खाया हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, सो आई एम इन लव विद योर डीपी, यानी आपकी डीपी, आप इतनी पिक में खूबसूरत लग रही हैं, लग रहे हैं, बॉयज के लिए भी कह सकते हैं कि आई एम इन लव विद योर डीपी, मुझे आपकी डीपी से प्यार हो गया है। बहुत अच्छा तरीका एक्सप्रेस करने का कि आपको उनकी डीपी अच्छी लगी। सो ये हो गया, आओ अब इससे अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, आई गॉट क्रश ऑन योर डीपी, आई गॉट क्रश ऑन योर डीपी। इसका मतलब तो क्रश का मतलब तो तुम्हें पता ही है, बहुत तुम चालू बनने हो अपने आप को, फिर भी सुन लो। आई गॉट क्रश ऑन योर डीपी, इसका मतलब है तुम्हारी डीपी पर मेरा दिल आ गया है या मुझे अट्रैक्ट करने लगी है। फोटो भेजिए डीपी की जगह, तो डीपी हटा के पिक भी लगा सकता है। आई गॉट क्रश ऑन योर पिक, आई गॉट क्रश किया है इंग्लिश वीक है मेरी, ऑन योर लुक, आई गॉट क्रश ऑन योर सैंडल, जूते चप्पल जो भी है, सो वो आप बोल सकते हैं। इसका भी यूज होता है बहुत ज्यादा, लोग अक्सर डीपी की तारीफ करते हैं ना, नाइस डीपी, फाइव डीपी करके, तो उसकी जगह बोल सकते हैं आई गॉट क्रश ऑन योर डीपी। ये हो गया भैया, खत्म करो चलो। तो भाई साहब देखा आपने किस किस तरीके से आप तारीफ कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है, मैडम लगाओ एक छोटा सा भयंकर यूवर्क। अरे इतना भयंकर लगा दिया भैया, ये मेरी डीपी है, ये आज ही के लिए, मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ, ये मैं होमवर्क के लिए है। आपको इस डीपी की तारीफ करनी है कि मैंने आपको जो 10 तरीके सिखाए हैं उसमें से कोई एक तरीका आपको यूज करना और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं हर्ट दूंगा आके, प्लीज अच्छा सा करना, ठीक है, कैसे लगी मेरी डीपी, इस डीपी के बारे में कमेंट करना। और आप कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, आप दूसरों की डीपी की इंग्लिश में तारीफ करने के लेकर एक दर्जन तरीकों के ऊपर, सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, दूसरों की डीपी पर कमेंट मारना, अच्छे अच्छे पॉजिटिव, और उन्हीं को मारना जो तो आपसे तंग ना होते, दूसरों को बेवजह तंग मत करा करो, दिस इज अ बैड मैनर। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।